हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले के या प्रीवियस वीडियो में हमने डीएनए के जो रासायनिक संगठन है उसके बारे में बात की थी, और डीएनए का रासायनिक संगठन में डीएनए जो है वो कितने अणुओं से मिलकर बना होता है, 3 अणु में। यानी एक तरीके से डीएनए जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, और जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 अणुओं से मिलकर बना था। पेंटोज शर्करा, डीएनए में कौन शर्करा पाई जाएगी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, फॉस्फेट रेडिकल भी हो सकते हैं या फॉस्फेट समूह भी हो सकते हैं, और तीसरा हो गया नाइट्रोजनी क्षारक। ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किस प्रकार हुआ है, जहाँ तक हम पहुँच गए थे। आज हम इसकी पूरी विस्तृत जो पूरा वर्णन है उसके बारे में, उसकी स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके गुण हैं, उसकी विशेषता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम। देखिए पिछले वीडियो में हमने बात की थी, देखो यहाँ पर जो देर का है यहाँ तक एक बार देखिए कि पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक का एक अणु का निर्माण, एक मॉलिक्यूल बना लिया था। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, ए फॉर एडिनिन है, ए फॉर एडिनिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन है, तो प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिन, यूरेसिन किसमें, आरएनए में। अब देखिए इस एक अणु का निर्माण हमने कर लिया था, तो ये जो एक अणु है वो क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करना है। और हमने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बहुलक। तो ये जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दो, ये तीन, ये चार, जैसे एडिनिन, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने जी, ये टी, फिर ये सी, ये मैंने लिखे हैं। तो ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड को। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड परस्पर जुड़कर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड परस्पर जुड़कर क्या निर्माण करेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड, यानी बहुलक, पॉलीमर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डीएनए, पॉलीमर अर्थात डीएनए का निर्माण करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये एक तरीके से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो परस्पर कैसे आपस में कंबाइंड होते हैं, कैसे आपस में जुड़ेंगे वो देखिए। जैसे हम बात करते हैं, देखिए ये हमारे पास, आप एक बार पेंटोज शर्करा के बारे में सोचिए कि यहाँ पे OH था और ये H, यहाँ पे ये OH इससे निकल गया था, इससे जुड़कर, यानी अपन ने बात की थी। अब आप बात करेंगे यहाँ पर ये H और ये H, यहाँ पे H और ये क्या पाया जा रहा है, OH, ये OH हो गया। अब ये जो P है, फॉस्फेट रेडिकल है, इसको आप इस प्रकार समझिए, देखिए एक ऑक्सीजन तो यहां पर ये पी के साथ अटैच, एक हमारे पास यहां पर ये OH ये आ गया, एक इसके साथ द्विबंध के साथ ऑक्सीजन, और एक हमारे पास ये क्या है, OH। देखिए समझो एक बार, फॉस्फेट समूह जो है ऐसे होता है, कुछ बात याद आ रही हो तो, ये हमारे पास फॉस्फेट समूह है, ये फॉस्फेट समूह पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ा था ना। अब फिर पेंटोज शर्करा के साथ कैसे जुड़ेगा, पेंटोज शुगर कैसे थे, ये भी देखिए प्रीवियस वीडियो में आपको बात याद आ रही होगी। ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है, और यहां पर ये एच और ये सी एच टू और ये ओ एच, तो ये ओ एच से यहां से ये क्या निकल गया था, वॉटर का मॉलिक्यूल निकल गया था। तो ये अब ये निकल गया, तो यहां पर क्या बच गया, एक ऑक्सीजन, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये ऑक्सीजन, समझ में आ रही है बात। अब देखिए कि यहां से ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, तो यहां पर ये हमारे पास OH और ये H किसको निकाल देंगे, H2O को निकाल देंगे, और H2O को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये O इसके साथ डायरेक्ट क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या स्थिति रह जाएगी, देखिए अब हमारे पास, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहां पर ये ऐसे बॉन्ड बनेगा। तो इसको देखिए, अब देखिए मैंने बताया था कि दो न्यूक्लियोटाइड परस्पर
फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। तो ये और ये, तो देखिए फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सा हो गया, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बंध क्यों कहा गया, देखो एस्टर जैसे अपन बात करें तो ये फास्फोडाइएस्टर बंध है, जैसे अपन बात करेंगे अब चूंकि यहां पर ये क्या है, ये क्या हमारे पास फास्फोरस है, तो इसलिए हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, ये तो कार्बोक्सिलिक समूह की बारे में बात आ रही है। ऐसे होता है, तो ये एक तरीके से हमारे पास फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि फास्फोरस आ रहा है इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए यहां पर भी फिर, अब ये सिंपल में आपको समझा रहा हूं, यहां पे फास्फोरस ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये इसके साथ डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या हो गया एक तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड की, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंगल स्ट्रैंड बन गया डीएनए का, यानी एकल रज्जुक संरचना, डीएनए की एकल रज्जुक संरचना। अब देखिए आपको बताया था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, देखिए डीएनए ऐसे होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो ये एक स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, ये एच और ये क्या है OH, ये एच और ये हमारे पास क्या जाएगा एच। अब देखिए ये एकल स्ट्रैंड है, तो डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है तो हमारे पास जो डीएनए होता है, देखिए ये तो थी बात हमारे पास एक तरीके से डीएनए के एक स्ट्रैंड की, तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है वो परस्पर आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे और किसका निर्माण करेंगे डीएनए के स्ट्रैंड का। अब डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड यानी हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर यानी द्विकुंडलीय संरचना। अब एक बात और कि यहां पर भी हमारे पास दूसरा क्या आ जाएगा, एक इसी प्रकार ये पूरी न्यूक्लियोटाइड को की एक और लड़ी आ जाएगी, और दोनों लड़ियां जो होती है वो किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा, क्षारक के यानी नाइट्रोजन ही क्षारक के हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। देखिए जैसे हम बात करें यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको कि जो दोनों रज्जुक जो जुड़ी हुई होती हैं इसमें जो नाइट्रोजन ही क्षारक के बीच में जो हाइड्रोजन बंध होगा, तो एक प्यूरिन के बीच में एक पिरिमिडिन क्षारक का निर्माण, यानी एक प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडिन से जुड़ता है, तो एडिनिन किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ। इसी प्रकार ये हमारे पास थाइमिन है, तो यहां पर ये क्या आ गया हमारे पास एडिनिन, ये हमारे पास एडिनाइन आ गया या एडिनिन आ गया। एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, देखिए ये हमारे पास होती है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए की। इसके अंदर जैसे देखिए आप, ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये थी बात हमारे पास क्या, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे यहां पे कि डीएनए की जो संरचना है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर इसके गुण पाए जा रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से डीएनए का रासायनिक संगठन है वो किस प्रकार होता है उसके बारे में हमने सीखा है। सी के हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, जी के साथ। यहाँ पे दो हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे और यहाँ पे कितने पाए जाएंगे, तीन हाइड्रोजन बंध इसके अंदर क्या होते हैं पाए जाते हैं, ऐसे अपन को समझ में आना चाहिए। फास्फोडाइएस्टर बंध आपको समझ में आया कि दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में,
दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, उसको क्या नाम दिया गया है, फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फो डाई एस्टर बंध, फास्फो डाई एस्टर बंध, ये थी बात हमारे पास इसके बारे में। अब हम इसकी स्ट्रक्चर यानी इसकी जो डीएनए है उसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में और उसकी जो जो विशेषता है प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अपन यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे डीएनए की डबल स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स ये डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखिए हम बात करते हैं यहां पे डीएनए देखिए ये एक तरीके से अपने पास क्या है, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। चलो हम बात करते हैं यहां पे कि डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में दो वैज्ञानिक हैं, एक तो वाटसन और एक क्रिक, उसने बताया था यानी डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना के बारे में सबसे पहले विस्तृत रूप से जो बताया था वो किसने बताया था, वाटसन और क्रिक। तो वाटसन और क्रिक जो वैज्ञानिक हैं, एक तो वाटसन है वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया और इसलिए उन्हें 1962 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे
तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट सबसे पहले आपको समझना है कि जो डीएनए होता है वो एक पॉली न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है, और एक न्यूक्लियोटाइड है वो तीन अणुओं से मिलकर बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कितने अणुओं से होता है? तीन अणुओं से, डिऑक्सीराइबोज शुगर, पेंटोज, डिऑक्सीराइबोज शुगर है, पेंटोज शर्करा बोल रहे हैं, नाइट्रोजन क्षारक, और एक क्या है? फॉस्फेट समूह। तो ये बात थी हमारे पास इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको? देखिए, पहली जो डीएनए की विशेषता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी विशेषता, वो समझ में आई? पहली विशेषता वापस बता देता हूँ। देखिए कि जो डीएनए होता है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? बहुलक। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो अभी एक तरीके से मतलब जो वर्ड पकड़ में नहीं आ रहे, वो एक बार मेरे वीडियो को वापस से देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी विशेषता है डीएनए की, वो पहली विशेषता यह है कि जो डीएनए होता है, डीएनए वो पॉली न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? बहुलक। और एक न्यूक्लियोटाइड है वो तीन अणुओं से मिलकर बना हुआ है। वो तीन अणु कौन कौन से हो गए? एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी जो पेंटो शर्करा है वो पेंटो शुगर है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक, और एक क्या हो गया? फॉस्फेट समूह, पहला। दूसरी बात क्या बताई गई है कि जो डीएनए होता है, डीएनए दूसरी विशेषता है, डीएनए की जो डबल हेलिकल है तो दोनों स्ट्रैंड, दोनों रज्जु, दोनों स्ट्रैंड मतलब दोनों रज्जु, ये दोनों लड़ियां वो एक दूसरे की क्या होती है? पूरक होती है, एक दूसरे की पूरक। एक स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड ये हो गया। देखिए ये पूरक का मतलब क्या है? अगर एक रज्जु का हमें पता है, दोनों पूरक में दोनों रज्जु है वो कॉमन है, केवल एक चीज में अंतर आ रहा है। जैसे पर बात करें कि ये हमारे पास पेंटोज शुगर है तो यहाँ पे भी पेंटोज शुगर है, और ये हमारे पास क्या है? फॉस्फेट समूह, तो ये हमारे पास क्या है? फॉस्फेट समूह, ये हमारे पास फॉस्फेट समूह, और ये हमारे पास क्या है? फॉस्फेट समूह। देखिए तो बस यहां पर अंतर क्या आ रहा है? नाइट्रोजनिक क्षारक यहां पर क्या है? एडिनिन, और यहां पर क्या है? थायमिन। तो अगर एक और बात याद रखना जो अभी मैं बताऊंगा आपको, तो इसमें केवल पूरक होती है, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। दूसरी तीसरी है, दो विशेषता समझ में आ गई। तीसरी विशेषता है कि जो डीएनए जो होता है, डीएनए की जो कुंडली होती है वो सर्पिल, यानी सर्पिल कुंडलित होती है, और ये अपने अक्ष पर कैसी, यानी राइट हैंडेड, यानी दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूमी हुई होती है, दक्षिणावर्त ये ऐसे है तो इस प्रकार घूमी हुई होगी, दक्षिणावर्त घूमी हुई होती है, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात देखिए, तीसरे पॉइंट में मैंने पहली बात ये बताई है कि डीएनए की जो कुंडलियां हैं, डीएनए की जो ये स्ट्रैंड है वो सर्पिलाकार कुंडली के रूप में, यानी दक्षिणावर्त घूमी हुई होती है, और दोनों कुंडलियां एक दूसरे पर प्रति समानांतर ध्रुवण रखती है, प्रति समानांतर, प्रति इसकी बारे में बात बताता हूं मैं। प्रति समानांतर ध्रुवण का मतलब क्या है कि जो दोनों स्टैंड है उनके दोनों सिरे के को अलग अलग तरीके से अपन पहचान सकते हैं। जैसे देखिए आप, ये है, ये पेन है, मार्कर है, इसका ये यहां पर क्या लगा हुआ है भाई? इसकी कैप लगी हुई है, और यहां पर ये, तो ये क्या हो गई? इसका हेड, और ये क्या हो गई? इसका टेल। उसी प्रकार हम यहाँ पे डीएनए की जो ये जो सिरे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं वो देखिए। देखिए डीएनए का जैसे अपन बात करेंगे, इसमें देखिए, इस स्टैंड में देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट स्टैंड है, तो फर्स्ट स्टैंड में ये हमारे पास देखिए पहला, ये हमारे पास पहला कार्बन, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और ये पांच। तो पांचवें कार्बन परमाणु पर क्या पाया जा रहा है? फॉस्फेट समूह फ्री पाया जा रहा है, आगे बंद नहीं होना रहा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन? कौन सा सिरा कहेंगे? फाइव डैश सिरा। दूसरी बात है, अब यहां पे नीचे आ जाओ, ऐसे यहां पर आइए, तो यहां पर इसमें देखिए, ये पहला कार्बन परमाणु, एक, ये दो, और ये तीन, ये OH जो है वो बॉन्ड बना रहा है, नहीं बना रहा, तो यहां पर OH हाइड्रोक्सिल समूह क्या है? यहां पे फ्री पाया जा रहा है, इसलिए इसको कौन सा सिरा कहेंगे? कौन सा एंड कहेंगे? थ्री डैश सिरा। समझ में आ रही बात? तो ये फाइव डैश हो गया, और ये क्या हो गया? थ्री डैश। आप इसमें देखिए कि एक स्टैंड, यानी एक
जो सिरा है 5 डैश है, तो दूसरा स्टेट का ये कौन सा होगा, 3 डैश सिरा होगा। कैसे होगा वो देखिए, यहां पर कार्बन परमाणु ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। तो यहां पे हाइड्रोक्सिल समूह कौन से कार्बन परमाणु पर है, तीसरे कार्बन परमाणु पर फ्री पाया जा रहा है, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, 3 डैश सिरा। अब यहां पे नीचे आ जाइए ऐसे की ऐसे, यहां पर देखिए ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। पांचवे पर क्या है, फॉस्फेट समूह। यहां पर बंद किसी दूसरे से न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, तो ये क्या हो गया, फ्री हो गया, इसलिए ये कौन सा सिरा हो गया, 5 डैश सिरा। यानी प्रति समानांतरण ध्रुवण का मतलब यहां पर यह है कि अगर एक स्टैंड का 5 डैश सिरा होगा तो उसके सामने जो दूसरा स्टैंड होगा वो क्या होगा, 3 डैश सिरा, और इसका दूसरा सिरा जो होगा एक स्टैंड का दूसरा सिरा वो 3 डैश होगा, तो ये कौन सा होगा, 5 डैश सिरा। तीन विशेषता मैंने आपको बता दी। फिर बाद में यहां पे क्या होगा, फोर्थ यहां पे कि जो डीएनए जो होता है उसके अंदर ये कुंडलन पाया जा रहा है, डीएनए का जो ये कुंडलन पाया जा रहा है, इसका एक कुंडलन जो है, एक कुंडलन की जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक वो होती है 34 एंगस्ट्रम। यानी डीएनए के पूरे एक कुंडल, देखो ये ऐसे घूम के यूं आ रहा है पूरा, यहां से स्टार्ट हुआ और यूं घूम के यूं आ गया, यहां से स्टार्ट हुआ ये ऐसे आया, यूं घूमा और फिर यहां तक ये पूरा हुआ। तो ये स्टैंड का, ये यहां से लेकर यहां तक ये एक स्टैंड, एक कुंडलन, एक हेलिकल या एक कुंडलन की जो दूरी होती है यहां से लेकर यहां तक वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम। समझ में आ रही है बात, पहली बात। दूसरी बात कि इस एक पूरे कुंडलन में ये नाइट्रोजनी क्षारक जो पाए जा रहे हैं उनके युग्म जो होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसे पूरा पूरा घूमेगा, ये पूरा ऐसे 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 घूमेगा, तो यहां पर जो ये है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पार्ट, ये किसको बता रहा है, नाइट्रोजनी क्षारक युग्म। युग्म क्यों हो गया, क्योंकि एक नाइट्रोजनी क्षारक ये हो गया और एक नाइट्रोजनी क्षारक ये हो गए, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर ऐसे जो नाइट्रोजनी क्षारक युग्म जो पाए जाएंगे वो कितने पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 10। अब देखिए कि इस पूरे कुंडलन में नाइट्रोजनी क्षारक युग्म जो पाए जा रहे हैं वो कितने पाए, नहीं, नाइट्रोजनी क्षारक जो है, नाइट्रोजनी बेस है, उनके जो युग्म जो पाए जा रहे हैं, जो बेस है, कितने पाए जा रहे हैं, 10 पाए जा रहे हैं। अब आपको एक बात और बताते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, अब 3.4, क्योंकि टोटल यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 34 एंगस्ट्रम, और इसमें कितने पाए जा रहे हैं, 10 पाए जा रहे हैं। तो एक नाइट्रोजनी क्षारक युग्म से दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक युग्म के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रम। ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास क्या होगा कि जो जो डीएनए की जो हेलिकल पाई जा रही है, ये जो स्टैंड पाए जा रहे हैं, इसमें फॉस्फेट समूह तो बाहर की ओर और नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर की ओर। ये जो डबल स्टैंडर्ड मैंने बताए हैं, ये नाइट्रोजनी क्षारक को बता रहे हैं, नाइट्रोजनी क्षारक युग्म को बता रहे हैं। तो ये नाइट्रोजनी क्षारक तो अंदर की ओर और फॉस्फेट समूह क्या होते हैं, बाहर की ओर होते हैं। पांच, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो दोनों स्टैंड होते हैं वो आपस में नाइट्रोजनी क्षारक के बीच में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। और सातवां और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वो सुनना, जो नाइट्रोजनी क्षारक के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे वो देखिए। देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि एक प्यूरिन जो है वो किससे बॉन्ड बनाएगा, पिरिमिडीन से। प्यूरिन में कौन सा हो गया, एडिनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन। तो प्यूरिन यानी ए जो है, यहां पे बता देता हूं कि ए यानी एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें एडिनिन 2 हाइड्रोजन बंध के साथ और साइटोसिन हमेशा 3 बंध के साथ गुआनिन से जुड़ेगा। अब गुआनिन साइटोसिन या साइटोसिन गुआनिन, थाइमिन एडिनिन या एडिनिन थाइमिन, 2 हाइड्रोजन बंध, और यहां पर गुआनिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बंध के साथ किससे जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ जुड़ता है।
तो ये थी बात हमारे पास डीएनए की स्ट्रक्चर और उसकी विशेषता। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक बार इसको वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूं, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, डीएनए की जो विशेषता है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि जो डीएनए होता है, किसने बताया कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, किसने बताया कि वॉटसन और क्रिक ने, इसलिए इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबल पुरस्कार अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो डीएनए होता है, डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होती है उसकी विशेषता के बारे में बात करें, तो जो डीएनए है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड का क्या है, एक तरीके से पॉलीमर है, बहुलक है। एक न्यूक्लियोटाइड में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तीन। तीन मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए, तो पेंटोस शुगर हो गई, एक नाइट्रोजनी बेस हो गया, और एक क्या हो गया, फॉस्फेट रेडिकल, डिऑक्सीराइबो शर्करा या पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी शर्करा और फॉस्फेट समूह आपस में। दूसरी बात है कि जो एक हेलिकल है वो दूसरे की क्या होती है, क्या होती है, पूरक होती है। अब देखो पूरक का मतलब कि दो तो समान होंगे, ये इसमें भी समान है और इसमें भी समान है, केवल नाइट्रोजन ही शारक है वो अलग होंगे, क्योंकि पढ़ने क्या कहा है कि एक प्यूरिन किसके साथ जुड़ेगा, पिरिमिडिन के साथ, एडिनिन के साथ। अगर यहाँ पे एडिनिन है तो यहाँ पे क्या आएगा, थाइमिन, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइटोसिन, यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे क्या आएगा, एडिनिन, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या आएगा, जी। समझ में आ रही बात। तीसरा है कि जो हेलिक जो ये कुंडलन है, यानी जो डीएनए की जो द्विकुंडलीय संरचना है वो सर्पिलाकार, सर्पिलाकार मतलब कॉइल, सर्पिलाकार घूमी हुई द्विकुंडलीय संरचना होती है, और इसमें जो कुंडलन है वो राइट हैंडेड घुमा हुआ होता है, दक्षिणावर्त घुमा हुआ होता है। दूसरी बात, एक कुंडलन की जो दूरी होती है, एक कुंडलन की जो लंबाई है, यानी जो एक कॉइल है उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रम, और इस कुंडलन में कितने नाइट्रोजनी क्षारक युग्म पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक युग्म, ये कितने पाए जाएंगे, 10। तो इससे अपन यहां पे ये कह सकते हैं कि एक नाइट्रोजनी क्षारक युग्म से दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक युग्म के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रम। फिर क्या बताया गया, ये थी बात हमारे पास इसके बारे में। फिर हमारे पास नेक्स्ट बात क्या आई है, नेक्स्ट बात हमारे पास ये आई है कि जो डीएनए की जो कुंडली है वो क्या रखती है, प्रति समानांतरण ध्रुवण। प्रति समानांतरण ध्रुवण का मतलब क्या है कि अगर एक हेलिकल, यानी जैसे एक स्ट्रैंड, एक रज्जु का एक सिरा 5' है तो दूसरा सिरा क्या होगा, 3'। ये मैंने बता दिया कि 3' 5' या 5' 3' क्यों होगा। फिर क्या बताया गया कि डीएनए की जो कुंडली है इसमें बाहर की ओर तो क्या है, फास्फेट समूह, अंदर की ओर क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक। नेक्स्ट आपको बताया यहाँ पे कि जो डीएनए होता है, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं ना वो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा क्या होते हैं, दोनों स्टैंड आपस में नाइट्रोजनी क्षारक युग्म के बीच में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरी बात लास्ट में कि एक प्यूरिन क्षारक हमेशा पिरिमिडिन क्षारक से जुड़ता है, इसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, यानी ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसको नाम दिया गया है चारगा रूल्स, यानी पिरिमिडिन और प्यूरिन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। एक बात और याद रखना कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ेगा, एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा, और साइटोसिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा ग्वानिन से जुड़ेगा, या ग्वानिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो ये थी बात हमारे पास डीएनए, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास वीडियो था। थैंक यू स्टूडेंट्स।